ज वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज निकलीस्ट ऑफ कैपिटल वैक कॉम्पिटिशन दो तरीके से हो सकता है बुक so, वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू फॉर्मेट फिक्स होता है दोस्तों सोर्सेस ऑफ फाइनेंस लिखा जाता है अमाउंट रखा जाएगा या तो बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हम निकालेंगे प्रपोर्शन प्रपोर्शन कैसे निकलता है सबको पता है निकलता है, टोटल लिया जाता है और इंडिविजुअल बाय टोटल इनटू हंड्रेड प्रपोर्शन आ गया प्रपोर्शन के बाद इंडिविजुअल इंडिविजुअल और फिर लास्ट में प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है प्रपोर्शन इंटू इंडिविजुअल कॉस्ट है ये आ गया आपका अगर आपका A, ये आपका कॉलम ए ये कॉलम बी कॉलम सी इज इक्वल टू सी इंटू डी हो जाएगा वॉट इज नाउ एग्जाम्पल लेते कुछ ताकि इजीली समझ जाएगा सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल है सपोज रिजर्व एंड सरप्लस है लॉन्ग टर्म जनरली जो ये लोग लिखते हैं वो बोल रहा मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है है और लास्ट में टर्म लोन है तो ये बन गया अलग अलग सोर्सेस अब अगर मुझे बुक वैल्यू लिखना है तो बुक वैल्यू तो जो गिवन वैल्यूज होती है वो डायरेक्टली कॉपी करना है रुपीजिन लैक्स रखो मिलियन रहेगा मिलियन रखो करोड़ रहेगा करोड़ रखो अपना दिमाग मत जीरो जीरो काउंट करते हो पागल हो जाओगे उसी में मिस्टेक ठीक है मैं सिर्फ आपको एक्सीडेंट पॉइंट बता रहा हूँ क्या क्या क्यों देन अगर बुक वैल्यू लिया तो बुक वैल्यू जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो डायरेक्ट छापने का इधर उसका टोटल लेने का वो भी कभी कभी दिया रहता है मेहरबानी से

इंडिविजुअल कॉस्ट इंटू प्रपोशन कर लो डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट का टोटल ले लो डायरेक्ट वैक आएगा एज पर बुक वैल्यू वेट्स एकदम ईजी होता है मार्केट वैल्यू वेट में गड़बड़ हो सकता है मार्केट वैल्यू वेट्स कैसे निकलता है दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सपोज आपका के आर के फोर्टीन फोर्टीन है तो सीधा एक काम करो ना यार के आर और के दोनों भी फोर्टीन है इस वजन से ही मत कौन से केस में बोल रहा हूँ मैं आपको मार्केट वैल्यू केस लेने की जरूरत है क्या दे भी सकते हो मगर आपका काम बढ़ जाएगा उसके उससे अच्छा मत लो सीधा भी कर दो पूरे रो को डिलीट कर दो कुछ मार्केट वैल्यू थोड़ ना होता है करोगे, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आता है वो टोटल मार्केट वैल्यू अगर 500 मिलियन रहेगा तो 500 डायरेक्टली इधर रख दो अल्टीमेटली 500 सौ एज प्रपोर्न ऑफ टोटल होने वाला है अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता सर चलो वो भी बता दो आपको मैं Surplus, अगर आप सेपरेटली लिखना चाहते हो तो क्या होता है फिर यहां पर पांच नहीं आता है फिर क्या होता है मारे में उस पांच को आप स्प्लिट करते हो इन द प्रपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू पांच सौ को आप स्प्लिट करते हो इन द प्रपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू बुक वैल्यू कितना था सपोज इनका सौ था इनका पचास था डेढ़ सौ हुआ बुक वैल्यू तो टोटल करने का डिवाइड बाय वन फिफ्टी इन करने का सौ कितना होता है 333.33 इधर आएगा एंड ऑबियसली बचा हुआ 167.67 पॉइंट उधर आएगा एंड सरप्लस के सामने अल्टीमेटली मुझे बोलो दोनों का टोटल कितना हुआ 500 हुआ दोनों का टोटल प्रोपोर्शन कितना आने वाला था 5, 5 ही आने वाला था ना पहले के एग्जाम्पल में और मल्टीप्लाई बाय दोनों को क्या करने वाले थे आप फोर्टीन ही है ना तो एक बार मल्टीप्लाई करते तो क्या फर्क गिरता आपका काम बच जाता ना समझा कि नहीं अगर ये फोर्टीन है और नीचे का ये जो है के आर ये सपोज आपका ट्वेल्व पॉइंट सिक्स है तो नो no डाउट फिर ऐसा कुछ नहीं करने का फिर जैसे अभी किया वैसा करने का पांच सौ क्या था बोलो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल था बराबर की नहीं उसको किससे डिवाइड किया बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व आंसर प्लस मल्टीप्लाई किससे किया बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर तो इसका आंसर है 1, .33. और नीचे वाला आंसर लाने के लिए क्या करोगे पांच सौ डिवाइडेड बाय फिफ्टी इन फिफ्टी कर दो या तो बैलेंसिंग भी कर लो एक ही बात है और फिर इधर का ऊपर का आंसर फिर फिर टोटल, टोटल, टोटल नहीं करने का प्रपोर्शन इधर आएगा क्योंकि तो ये कॉस्ट अलग है और ये कॉस्ट अलग आर यू वेरी क्लियर तो ये आपका वैक कॉम्पिटिशन होता है यूजिंग मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू केस में रिजर्व एंड सरप्लस कब आएगा बोलो वेन के आर इज नॉट इक्वल टू के अगर नहीं अगर के आर इज इक्वल टू के तो आने की जरूरत नहीं अगर नॉट इक्वल टू के तो कैसे आएगा यू विल स्प्लिट यूर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन द प्रपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सर जैसे मैंने एग्जाम्पल में अच्छा प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू कैसे आएगा प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ नहीं नंबर ऑफ प्रेफरेंस देने का इन मार्केट वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर करने का डिवेंचर्स का कैसे आएगा सेम नंबर ऑफ इनटू मार्केट वैल्यू पर डिवेंचर टर्म लोन का दिया हुआ वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होता है क्योंकि टर्म लोन सेपरेटली मार्केट में ट्रेड नहीं सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होता है जितना मेरे बुक्स में टर्म लोन देना बाकी है रियल में उतना ही देना बाकी है तो इस तरीके से आपके सभी वैल्यूज आ जाएंगे सब आंसर आएंगे अब ध्यान से सुनो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनपी विच इज कन्फ्यूजिंग नेट प्रोसीड के कंफ्यूजन को दूर करना है तो सच में, में मेरा क्वेश्चन सॉल्व करो आपका पूरा जब जब मार्केट वैल्यू दिया रहेगा मार्केट sure, अगर, अगर दिया रहेगा तो आफ्टर डिडक्टिंग फ्लोटेशन वो फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे लेने का वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का कभी कभी ये लोग बोलते हैं डिवेंचर आर ट्रेडिंग एट वन जीरो थ्री

जीरो थ्री माइनस टू परसेंट ऑफ वन जीरो हंड्रेड पॉइंट नाइन यू शुड बी वेरी केयरफुल वो क्या दे रहे हैं और उसके हिसाब से तुमको लिखना है <coughs> एम्बूटी लगता है आजमशन लिख दो आजमशन क्या लोगे? फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑन मार्केट वैल्यू आजमशन कभी फेस वैल्यू नहीं होता है ठीक है अगर ऐसा बोला है कि डिवेंचर आर ट्रेडिंग एट वन जीरो एट

रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवेंचर्स यह है टू लैख यह है वन लाख और यह है वन लाख ठीक है टोटल कितना हो गया फोर लाख ये कंपनी का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है अगर ऐसा बोला तो याद रखने का का प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं करने का प्रोपोर्शन निकालो फिर कितना होगा पॉइंट फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव यह मैं नहीं चेंज अगर ये ऑप्टिमम बोल दिया तो इसको चेंज नहीं करने का और फिर इसके ही आगे बढ़ते जाएंगे कहीं पर भी अमाउंट की जरूरत ही नहीं रहेगी न्यू एक्सपेंशन रहेगा तो भी इसी प्रपोर्शन में करेंगे तो मार्जिनल बैक पूछा तो नया कैपिटल कहाँ नया कैपिटल तो दिया नहीं मार्जिनल बैक कैसे निकालू अरे मार्जिनल बैक अगर निकालने बोला है नया कैपिटल दिया भी रहता तो तू क्या करता नया कैपिटल का तू अमाउंट लेता टोटल लेता प्रोपोर्शन निकालता प्रोपोर्शन दिया ना डायरेक्टली अगर ये ऑप्टिमम है तो ये चेंज करूंगा क्या मैं नहीं तो नया पैसा अगर मुझे और एक लाख रेस करना रहेगा तो मैं किस प्रोपोर्शन में करूंगा उस एक लाख का 50 एक पचास परसेंट में इक्विटी शेयर से लाऊंगा पचास हजार उस एक लाख का पच्चीस हजार में लाऊंगा प्रेफरेंस शेयर से उस लाख पच्चीस परसेंट में लाऊंगा पच्चीस हजार डिवेंचर से तो मुझे मार्जिनल वैक निकालने में प्रॉब्लम क्या है मेरा प्रोपोर्शन तो रेडी है अगर वो ऑप्टिमम है तो ऑप्टिमम बोल दिया ना दिमाग में फिक्स करने का उसको चेंज नहीं करेंगे और एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो समझे वट इज मार्जिनल बैक नाउ मार्जिनल बैक का मतलब होता है कंपनी के पास ऑलरेडी अगर ये है और कंपनी को एडिशनल पांच लाख रेस करना है उस पांच लाख का प्रपोर्शन ऐसा दिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से ढाई लाख एंड डिवेंचर से ढाई लाख ठीक है और इधर का केई का कुछ फैक्टर्स उन्होंने चेंज करके दे दिया केडी का भी कुछ फैक्टर चेंज करके दे दिया तो सबसे पहले आप के निकालो के निकालो और डायरेक्टली सिर्फ ये दो कैपिटल लो ढाई लाख ढाई लाख टोटल बन गया पांच लाख ऑप्टिमम ठीक है तो मार्जिनल बैग तो के लिए आप क्या करोगे सिर्फ एडिशनल पांच लाख का जब आप कॉस्ट निकालते हो तो ना कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल बैक ऑलरेडी कंपनी के पास कितना था ऊपर का चार लाख था और कंपनी कितना रेस कर रहा है पांच लाख सिर्फ एडिशनल पांच लाख का आप अगर वैक कंप्यूट कर रहे हो तो उसको बुलाते हैं मार्जिनल कभी कभी ये लोग बोलते हैं वो चार लाख है कंपनी और पांच लाख रेस कर रहा है फाइंड द न्यू वैक अब न्यू वैक के केस में क्या करने का ऊपर के वो तीन आइटम और नीचे के ये दो आइटम पांच आइटम का टोटल बनेगा और फिर न्यू वैक निकलेगा हो सकता है उधर का केई अलग था इधर का के अलग या इधर के केई की वजह से उधर का केई चेंज हो गया क्वेश्चन पढ़ने का जनरली इधर का और उधर का केई चेंज नहीं होता है ऑब्वियसली जो केई इधर आएगा वही केई उधर भी जाएगा समझे इधर का केड़ी उधर का केड़ी ऑब्वियसली अलग हो सकता है नहीं सब लोग तो मतलब मतलब क्या प्लस न्यू। मार्जिनल वैक मतलब क्या न्यू। Then guys, accident points क्या क्या मैंने बताया आपको K -K -E के बारे में रहो अगर दिया रहेगा तो केयरफुल रहो रोटेशन किस पे अप्लाई करना है वो भी देखो क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा व्यू पॉइंट क्लियर होगा फ्लोटेशन बारे में या फिर एनपी के बारे में नेट प्रोसीड And finally, उसका यूज कहां पे आता है मार्केट वैल्यू कैलकुलेन आता नथिंग बट नेट समझे कि नहीं तो इसलिए थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में से और भी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते बोलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या देखा अपने इंडिविजुअल दो कॉस्ट देखे के?